प्लीज मत होइए, इसलिए कि हमने यहाँ बहुत संजीदा और सीरियस पर्सनैलिटी को मदद किया। अच्छा, शख्सियत को, और मुझे पता वो शख्सियत कौन है, और नाजरीन के लिए उनका अता पता ये है कि सुनसान रात अंधेरे में थी, फायर की आवाज भागते हुए कदमों की चाप। जी हाँ, इन्होंने अता पता तो आपको बिल्कुल सही दिया है, वो है मशहूर जासूसी नॉवल निगार जनाबी इब्ने सती। जी सफी साहब, आपका पहला नॉवल था दलेर मुजरिम, और उसके बाद आपने तकरीबन 250 से ज्यादा नॉवल लिखे हैं, जासूसी नॉवल, लेकिन पहले आपके लिखने की रफ्तार बहुत तेज थी, मेरे ख्याल से 15 दिन में एक नॉवल आ जाती थी मंजर-ए-आम पर इतने सभी साथ। उसके बाद आपने बहुत कम लिखना शुरू कर दिया, तो कहीं ये बात तो नहीं है कि बहुत ज्यादा माली आसूदगी ने आपसे लिखने की लगन छीन ली? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि माली आसूदगी किस चिड़िया का नाम है? अच्छा, आपको पता ही नहीं है अब तक? इसलिए कि माल के सिलसिले में आसूदगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तलब बढ़ती जाती है। उस नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो मुझे हर हफ्ते किताब लानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। बात दरअसल ये है कि 250 से जायद नॉवेल्स हो चुके हैं मेरे, तो अब बहुत संभल के लिखना पड़ता है मुझे, काफी एहतियात से लिखना पड़ता है कि कहीं रिपीटिशन वगैरह न हो जाए, कोई ऐसी चीज न हो जाए जो जिसके बिना पे लोग ये कहें कि साहब ये क्या वो दोहरा दी बात, तो इसलिए जरा सा इसी में देर होती है। अच्छा, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया था जासूसी अदब, तो उस वक्त या तो तीरथ राम फिरोजपुरी के तर्जुमे थे या मादूद चंद लोग जासूसी अदब लिख रहे थे, तो आपने किसको मॉडल बनाया था, क्या अंग्रेजी जासूसी अदब को? जाहिर है, सीखा तो मैंने अंग्रेजी से। तो लोग तो कहते हैं कि आप तर्जुमा कर देते थे अंग्रेजी नॉवल? नहीं, ये देखा, सिर्फ पहला नॉवल मेरा जो था दलेर मुजरिम, उसका मरकजी ख्याल मैंने अंग्रेजी के एक नॉवल से लिया था, और ये फरीदी हमीद कैरेक्टर जो है ये मैंने खुद बनाए थे, किरदार आपने खुद ही, किरदार मेरे अपने थे। अच्छा, लेकिन सफी साहब एक बात है, कहा जाता है कि अदब को जिंदगी आमोज भी होना चाहिए और जिंदगी आमेज भी होना चाहिए, तो ये जासूसी अदब जो है किस हद तक एक आम इंसान की जिंदगी का अहाता करता है, उसको पेश करता है? देखिए ना, कि आम आदमी को भी जराइम से साफा पड़ता रहता है जी, और जिस तरह जिंदगी में और बहुत सी चीजें शामिल है, तो जराइम को भी आप जिंदगी में समझिए, जिंदगी से अलग नहीं कर सकते उन्हें आप। तो बहरहाल ये कि मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को कि किस तरह वो अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह कानून की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर शहरी का फर्ज है कि अगर वो देखता है कि कहीं कोई जुर्म हो रहा है तो उसका फर्ज है कि वो कानून की मदद करे उस सिलसिले में। जी हाँ, और इस सिलसिले में साहब बहुत सी जासूसी फिल्में भी हैं जिनमें अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ दाव दिखाए जाते हैं, लूडो कराटे वगैरह। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि अंग्रेजी जासूसी फिल्मों में जराइम का अमली नमूना पेश किया जाता है, अंग्रेजी जासूसी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि वो जराइम की तरगीब देती हैं, इस तरह कुछ लोग जासूसी नावलों के बारे में भी ये कहते हैं कि उनके जरिए कुछ जराइम की तरगीब सी मिलती है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? साहब, मेरा तो ये रवैया नहीं है, दरअसल चीज होती है ट्रीटमेंट मेरा ऐसा होता है कि पढ़ने वाले की हमदर्दियां कानून और कानून के मुहाफिजों के साथ होती हैं, लिहाजा मेरे नॉवेल से या इस किस्म के जासूसी नॉवेल जो लिखे जाते हैं उनसे बिगाड़ का कोई सवाल नहीं पैदा होता, सीखते ही हैं लोग उसे। लेकिन जुर्म करने का भी तो तरीका पता चलता नहीं, मैं इस सिलसिले में बहुत मोहतात रहता हूँ, इस सिलसिले में भी कि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जासूसी नॉवेल नौजवान नस्ल को फरारियत पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं, मसलन ऐसे भी नौजवान हो सकते हैं कि जो फरीदी के किरदार को पेश नजर रखकर तसव्वुर में और ख्वाबों की दुनिया में कारनामे अंजाम देने लगे, तो ये क्या है? भाई, मेरे दिल में हसरत ही रह गई कि कभी कोई साथ फरीदी बन के दिखाते, पता नहीं आपको कितने इत्तला दी है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे फरीदी का किरदार है एक बड़ा ही फौकुल बशर का किरदार है कि अक्सर लिखा हुआ था और मैंने पढ़ा है कि फरीदी खड़ा था, चार आदमी ने उस पर छलांग लगाई
और दूसरे ही लम्हे वो चारों ढेर हो चुके थे क्योंकि फरीदी ने जेब पे पिस्तौल से उनका काम तमाम कर दिया था। भाई अगर वो कोई साहब यहाँ जूडो कराटे वाले बैठे हों तो वो बताएंगे कि मूवमेंट पे नजर रख के किस तरह 10 आदमियों से निपटा जा सकता है। सफी साहब ने तो उनको फादर हार्ड स्टोन कहा है ना, और उनको सारे तरीके आते हैं, लेकिन सफी साहब आपकी नॉवेलों में रोमांस नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत मामूली है, रोमांस लगता नहीं है। ये गुरेज क्यों है? गुरेज नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी किसी चीज को अगर मैं जरूरी न समझूं तो उसका मतलब ये उसे गुरेज तो उसे आप नहीं कह सकते। अच्छा वैसे आपको तो शायरी से भी बहुत लगाव है। हाँ कभी कभार। यहाँ से भी आपने कहा, लेकिन यूँ कहना चाहिए कि जासूसी अदब लिखने का शौक गालिब आ गया है। आपका शुमार जासूसी अदब में तो बहुत ही बुलंद पाया अदीबों में होता है। आपने फिल्म भी लिखी थी जी, वो कुछ ज्यादा धमाका खेज साबित नहीं हुई, तो क्या आप फिल्म के मिजाज से खुद को हम आंग नहीं कर सकते? ये बात नहीं है, बल्कि एक नया तजुर्बा किया था मैंने, एक ऐसी हल्की फुल्की तफरी देने की कोशिश की थी कि लोग जब हाल से बाहर निकले तो उनके जहन थके हुए ना हो, फ्रेश हो। हमारे यहाँ जो फार्मूला फिल्में चल रही हैं उनका एक खास अंदाज है कि अभी ये पैथास बहुत ही शदीद किस्म का, उसके बाद फौरन ही कॉमेडियन आ गया, अभी रो रहे थे हंसना पड़ा। तो इस जल्दी जल्दी इतने जज्बाती तगैरात जो होते हैं ना उससे जहन जो थक जाता है जी। हाँ तो इन चीजों को जहन में रख के मैंने कहानी लिखी थी, फार्मूला फिल्म नहीं थी और भी कुछ दुश्वारियां थी उसमें। ये तो इंशाल्लाह अगली दफा आप फार्मूला फिल्म लिखेंगे मेरा ख्याल है। नहीं इंशाल्लाह शायद मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, फिलहाल तो कोई इरादा नहीं। यानी अभी आप फिलहाल नहीं लिखेंगे कोई फिल्म? अच्छा ये आपके जो किरदार हैं कर्नल फरीदी, हमीद, इमरान वगैरह, तो ये तो सुराग रसानी करते हैं, आप उनके खालिफ हैं, आपने कभी खुद कोई सुराग रसानी की? अरे साहब मुंह की खाई थी एक बार। अच्छा मुंह की खाई थी यानी क्यों सुराग रसानी? हाँ लीजिए, जब अपने घर में चोरी होगी सुराग रसानी पे आमादा होने ही पड़ेगा। अच्छा वो क्या हुआ था? वो साहब तराने से चोर साहब रात को सूटकेस उठा के ले गए। अच्छा अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि कुछ मेहमान मेरे यहाँ ठहरे, तुमने एक साथ बीमार भी थे, वो उस वक्त उठे थे किसी जरूरत से, उन्होंने देखा चीजें चोरी हो रही चोरी हो रही, चोर साहब ले गए वो। अच्छा करीबी घर के करीब एक नाला है, सुबह वहाँ वो सूटकेस पड़ा हुआ मिला तो कैश वगैरह सब गायब था उसमें से, सूटकेस उठवा लिया गया। अच्छा उस सूटकेस में उसी दिन की तारीख की लॉन्ड्री की एक रसीद मिली जिसपे नाम के बजाय नंबर लिखा हुआ, तो वो नंबर देख करके वो रगे जासूसियत पर नंबर देखते कि भाई नाम के बजाय ये नंबर क्या है, लिहाजा वो नंबर उसे बतौर क्लू लेके मैं जनाब पहुंचा इंस्पेक्टर साहब के पास। उन्हें भाई ये किस्सा है, हो सकता है कि चोर जिस वक्त निकाल रहा था उसके जेब से ये लॉन्ड्री का पर्चा गिर गया हो। अच्छा पहले घर में पूछ लिया कि भाई नहीं हमारे यहाँ जो कपड़े जाते हैं उन पर नाम होता है, कभी ऐसी कोई रसीद नहीं मिली जिसका नंबर पड़ा हुआ होता। चाँद से वो गए, उन्होंने अपना एक आदमी बिठा दिया इंस्पेक्टर साहब ने जी। शाम को वो साहब पहुंचे और ये कहते हुए कि भाई वो रसीद ऐसा है कि वो रसीद तो गुम हो गई लेकिन मेरा नंबर 9 है, बस उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अच्छा। वो इत्तेफाक से बेचारे हमारे मेहमान निकले। अरे मेहमान जो उनका कोट भी चुरा के दे दिया था ना वो। अच्छा। उसकी सफाई भी उसी उसमें की थी। से ये तो साबित हुई कि जासूसी अदब लिखने वालों को खुद सुराग रखना नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके किरदार जो है कैप्टन हमीद, इमरान, फरीदी, ये तो डाके, कत्ल, चोरियां, इसका सुराग लगाते हैं। हमने एक और सुराग रसों को यहाँ मधु किया है और वो सुराग साहब आप बताएं आपको कौन सा किरदार अपना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे अपने सारे किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये करना कि कौन सा, इसलिए कि मुख्तलिफ किरदारों की मुख्तलिफ उनकी अपनी जाती खसूसियात हैं जिनके बिना पे वो बहरहाल मुझे पसंद। हाँ सफी साहब आपने अपने तकरीबन तमाम ही किरदार बहुत खूबसूरत तख्लीक किए हैं, लेकिन कभी कभी माशरे के बड़े दिलचस्प किस्म के किरदार भी पेश किए हैं। मसलन एक किरदार आपने लिया है उस्ताद महबूब निराले आलम का, तो इनमें आपको क्या खसूसियत नजर आई थी? अगर आपने उन्हें बुलवाया है उनसे सवाल करेंगी उनकी सारी खसूसियात आपके जाहिर। हाँ वो भाई किरदार जीते जाते हैं।